हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो उपस्थित सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। भज गौरांग कहो गौरांग लहो गौरांग नाम रे, भज गौरांग
महाप्रभु की जय। जय श्री नित्यानंद प्रभु की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधा कांत नमोस्तुते।
ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌರಾಂಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ಕೃಷ್ಣಭಾನು ಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यहां के सब जो लीडर हैं रसराज गौरांग प्रभु दयाल निताई प्रभु कौस्तुभधारी प्रभु राधा जीवन प्रभु ये सब जो भक्त लोग हैं उन सबका विशेष धन्यवाद और आप सब जो इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं अपना समय निकाल कर तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो नवदीप धाम गए हैं हाथ उठाइए मायापुर धाम ठीक है और क्योंकि आप ज़्यादातर बंगाल से और नेपाल से हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपने नवदीप का नाम पहले सुना हो लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो इस सत्संग में आने पे और इस्कॉन से जुड़ने के बाद ही नवद्वीप का नाम सुने और मायापुर का नाम सुने उसके पहले नाम पता नहीं था हरी बोल इतने सारे लोग हैं तो हम सबको इंक्लूडिंग माइसेल्फ मुझे पता नहीं था मायापुर नवद्वीप धाम के बारे में तो अभी कार्तिक के महीने में भगवान की बड़ी अनुकंपा से हम कार्तिक नवद्वीप मायापुर यात्रा में गए थे दो हफ्ते पहले और लगभग 6,000 डिवोटी लोग मायापुर धाम में यात्रा में आए और परम पूज्य शिला राधानाथ स्वामी महाराज इस यात्रा को लीड कर रहे थे और करीबन 30-40-50 कंट्री से अलग अलग जगहों से भक्त लोग आए थे और 10 दिन तक मायापुर धाम में रहे तो हम लोगों ने 8 अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बनाए थे उस 6,000 भक्तों में से 600-650 डिवोटी एक ग्रुप में और वो 8 ग्रुप 8 डायरेक्शन में जाते थे और ऐसा हमने बेल्ट बनाया था ये मैंने अब तक खोला नहीं है ये कार्तिक यात्रा का बेल्ट है अलग अलग कलर का तो उसमें सुबह हम 8 डायरेक्शन में जाते थे वहाँ पर कथा होती थी फिर हम पंडाल में आते थे प्रसाद लेते थे और थोड़ा रेस्ट करने के बाद महाराज का 3-3.5-4 घंटे का क्लास होता था और महाराज बहुत डिटेल में मायापुर के बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में धाम के महात्म्य के बारे में और भगवान की लीलाओं के बारे में हमें बताते थे तो आज सुबह जब मुझे सिटी में क्लास देने के लिए कहा गया तो मुझसे निवेदन किया गया कि क्योंकि हम यात्रा पर जाकर आए हैं तो हम लोग उसके बारे में ही नवद्वीप धाम के बारे में बताते हैं तो आप सब लोग जो नवद्वीप गए हैं या जो नवद्वीप नहीं गए हैं हम भगवान की कृपा से ऐसा प्रयास करेंगे कि अभी इस समय हम सब लोग नवद्वीप धाम जाएंगे और कैसे जाएंगे कर्णों के माध्यम से क्योंकि धाम को आंखों से नहीं देखा जा सकता आंख से देखेंगे तो मात खा जाएंगे हमको वही झाड़ और वही पत्थर ये सब दिखाई देगा लेकिन जब हम कर्णों के माध्यम से सुनते हैं भगवान के बारे में और भगवान के धाम के बारे में तब हम सच में उस धाम में प्रवेश कर सकते हैं तो इसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी ये कहा कि मैं फिर से दोहराता हूँ आप खान खोल दीजिए ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सकें क्योंकि भगवान को ऐसे हमारे चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता उनको केवल कर्णों के माध्यम से सुन के ही समझा जा सकता है और इसके लिए कलयुग के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि दो प्रोसेस जो है दो विधि जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और वह है श्रवण और कीर्तन तो श्रवण के माध्यम से हम लोग श्री मायापुर धाम श्री नवद्वीप धाम की परिक्रमा करने का प्रयास करेंगे और नवद्वीप के जो 9 आइलैंड है 9 जो द्वीप है
उस हम द्वीप की मानसी परिक्रमा करेंगे। तो आप सब लोग तैयार है? जय श्री गौरांग महाप्रभु की, जय श्री मायापुर नवद्वीप धाम की। जय। तो भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले आए थे, आप सबको पता है, और भगवान हर युग के अंदर अवतरित होते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान हर एक युग में प्रकट होते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए थे तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत लोगों को मुक्त कर दिया। इंडीड जितने राक्षस थे उन राक्षसों को भी उन्होंने मुक्त कर दिया, कि सारे के सारे राक्षस उनसे लड़ने के लिए आए और जिनको भी भगवान ने मारा उन सबको मुक्ति प्राप्त हो गई, सब भगवान के धाम में चले गए, वैकुंठ पहुंच गए। लेकिन भगवान ने भक्ति बहुत ही कम लोगों को दी। ऐसे बताते हैं कि भगवान के भक्तों में बहुत ही कम और बहुत ही विशेष ऐसे भगवान के भक्त थे जिनको भगवान ने अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान की, जैसे गोपियां हैं। तो भगवान ने सबके साथ रास नहीं रचाया, सबको प्रेम भक्ति नहीं दी, बहुत लोगों को मुक्ति प्रदान की, वैकुंठ पहुंचा दिया। लेकिन भगवान क्यों अपनी भक्ति सभी को नहीं देते हैं? क्योंकि भगवान अगर अपने आप को किसी को दे देंगे तो बिक जाएंगे, और भगवान भी देखते हैं कि हर किसी से बिकना नहीं चाहते। इसके लिए उन्होंने भगवद गीता में क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां सुच, कि आप सभी धर्मों को छोड़कर आप मेरी शरण में आ जाओ तब मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। या भगवान ऐसा भी कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, कि जो मेरे पास जिस इच्छा को लेकर आता है मैं उसी के साथ उसी प्रकार से आदान प्रदान करता हूँ, है ना। जैसे आप भगवान कृष्ण से प्रेम करना चाहोगे तो भगवान प्रेम भी करेंगे, लेकिन कोई भगवान से युद्ध करना चाहेगा तो भगवान उसके साथ युद्ध भी करते हैं, जैसे चाणूर और मुष्टिक ने किया, जैसे और दूसरे लोगों ने किया, कुछ राक्षस लोग जो आके भगवान से युद्ध करना चाहते थे तो भगवान उनसे युद्ध भी करते थे। तो जैसे भगवान जब मथुरा में आए बलराम जी के साथ में, तो माली के साथ उन्होंने बहुत प्रेम सा व्यवहार किया, लेकिन धोबी को उन्होंने मार दिया, है ना, आपको कथा पता रहेगी मथुरा में। तो भगवान हर किसी के साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो अपनी प्रेम भक्ति जो है वो हर किसी को इस प्रकार से नहीं देते हैं, नहीं तो क्योंकि उनको बिकना पड़ जाता है। तो हमारे तीन भगवान हैं, मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे भगवान रामचंद्र जी है वो धर्मपरायण है, हर चीज़ को धर्म की दृष्टि से देखा जाता है उनके पास में। भगवान श्री कृष्ण जो है वो प्रेम परायण है। तो क्या होता है कि धर्मपरायण में अगर किसी ने कुछ गलती की तो तुरंत उसको धर्म के अनुसार सजा मिलेगी, किसी ने कुछ गलती की नुकसान किया उसको वैसी सजा मिली। लेकिन भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि वो सबको सजा तो देते हैं, लेकिन भगवद गीता में कहते हैं कि मैं पार्शियलिटी नहीं करता, लेकिन भर भर के पार्शियलिटी करते हैं, अपने आदमी को बचा लेते हैं। जैसे इतने सारे राक्षस लोग भगवान कृष्ण से लड़ने के लिए आए और दो दो मिनट में भगवान ने उन राक्षसों को मार दिया, और मामा जी उनके लिए अलग अलग खिलौना भेजते थे कृष्ण के लिए, और कृष्ण को खिलौने पसंद नहीं आते थे, तोड़ देते थे। उन्होंने छोटी सी गुड़िया भेजी, डॉल, कौन थी वो, पूतना, भगवान ने उसको मार दिया। फिर उन्होंने उनके लिए एक घूमने वाला भौरा भेजा, कौन था, तृणावर्त, भगवान ने उसको भी मार दिया। फिर एक काट भेजा, शटक शक्तासुर, उसको भी भगवान ने मार दिया। फिर उसके लिए भगवान ने उसके मामा जी ने क्या भेजा, बतख भेजा, डक, बकासुर, भगवान ने उसको भी मार दिया। फिर भगवान ने घोड़ा भेजा, केशी, उसको भी मार दिया। गधा भेजा, कौन था, धेनुकासुर, उसको भी मार दिया। तो फटाफट फटाफट भगवान ने सबको मार दिया, लेकिन एक व्यक्ति जिसने भगवान का और भगवान के ब्रजवासियों का बहुत नुकसान किया, कौन था वो, इंद्र। इंद्र ने गोवर्धन लीला के टाइम पे ब्रजवासियों पे बहुत प्रहार किया, वज्र से, संवर्तक बादल से, बिजली से, और घमासान उसने 7 दिन 7 रात तक वर्षा की, लेकिन भगवान ने उसको मारा नहीं। क्यों? क्योंकि अपना आदमी है इसके लिए तो भगवान ने क्या बोला, सबको सजा देंगे लेकिन अपना आदमी है तो साइड पीछे आ जाए, नो प्रॉब्लम ऐसा। तो इंद्र को पीछे कर दिया। इसके लिए भागवत में ये श्लोक आया है, कौन सा, कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे, के इंद्र के दुश्मनों से बचाने के लिए भगवान बार बार अवतरित होते हैं। और इस प्रकार से, और चैतन्य महाप्रभु जो है वो उनसे एक स्टेप आगे है,
तो भगवान राम जो है वो धर्म परायण है, कृष्ण प्रेम परायण है और चैतन्य महाप्रभु कृपा परायण है। तो वो कृपा देते हैं, तो वो क्या देखते नहीं है कि कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है, सबको प्रेम दे देते हैं, है ना। पात्र पात्र ना देखी, देखते नहीं है कौन क्या है। तो जैसे किसी ने गलती की, अकाउंट्स में घोटाला किया, तो उसको सजा मिलेगी, धर्म परायण। कृष्ण कहा अच्छा इसने गलती की लेकिन अपना आदमी पीछे ले लो इसको, नो प्रॉब्लम, ऐसा बचा लेंगे उसको। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ऐसा क्या होगा, अच्छा इसने घोटाला किया इसको चीफ अकाउंटेंट बना दो, इसको टेंपल प्रेसिडेंट बना दो। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा का जो भंडार उन्होंने खोला वो सबके लिए उन्होंने खोल दिया। तो जो कृपा ब्रज में रह के और लोगों को नहीं मिली, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को, श्री चैतन्य महाप्रभु ने, उसी कृष्ण ने, जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो अवतरित हुए, उन्होंने क्या किया, पूरा पूरा भंडार खोल दिया और सबको दोनों हाथ से लुटाने लगे। और वो जो कृष्ण का प्रेम था वो लुटाते गए और कहते कहते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि के रचयिता है, राइट, सृष्टि का निर्माण करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जो है वो सेकेंडरी क्रिएटर है, प्राइमरी क्रिएटर कौन है, विष्णु। विष्णु सब क्रिएट करते हैं, इंडियन विष्णु के श्वास और निश्वास से बहुत सारे यूनिवर्स पैदा होते हैं और बहुत सारे यूनिवर्स जो है वो अस्त भी हो जाते हैं। तो लेकिन शास्त्र ऐसा बताते हैं कि ना ही विष्णु और ना ही ब्रह्मा ओरिजिनल क्रिएटर है, ओरिजिनल क्रिएटर कौन है, कृष्ण। तुम्हें सर्वेश्वर जो है वो तुम्हारी इच्छा है, समान जो होता है भगवान की इच्छा से होता है। तो सब कुछ जो उत्पन्न होता है वो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा मात्र से होता है। और इसलिए भागवत उनको क्या कहता है, जन्माद यस्य यतः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद यस्य यतः, कि जो है भगवान श्री कृष्ण से सब कुछ आता है। तो सारे के सारे धाम, सारे का सारा विश्व, सारा का सारा संसार, जो कुछ भी है वो भगवान की इच्छा से आता है। और इस बात की पुष्टि भगवान भगवद्गीता में भी करते हैं, वो कहते हैं कि मत्तः परंतर न अन्य किंचित अस्ति धनंजय, मई प्रोक्तमिदं सूत्रे मणिगणायव। वो कहते हैं कि सब कुछ एक सूत्र की जैसे मणि आधारित होते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आधारित है। और भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि मैं सभी लोगों का मालिक हूँ। तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से आता है, लेकिन एक चीज इस दुनिया में है जो भगवान कृष्ण की इच्छा से नहीं आती है, और वो क्या है, वो है नवद्वीप धाम। कैसे, वो क्यों, क्योंकि वो किसकी इच्छा से प्रकट होता है, राधा रानी की इच्छा से प्रकट होता है। तो एक बार राधा रानी वैसे भगवान की बहुत सेवा करती थी, भगवान की अनन्य भक्त है, लेकिन उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर थे, चंद्रावली और दूसरी जो विराज वगैरह सब थी। तो एक बार राधा रानी ने सोचा कि मैं भगवान श्री कृष्ण की एक्सक्लूसिव सेवा करना चाहती हूँ। और ऐसा जब वो सोच रही थी तो वृंदावन के जैसा का जैसा एक धाम प्रकट हुआ उनके समक्ष, और उस धाम के अंदर बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष थे, बहुत सुंदर सुंदर पशु पक्षी थे, वहाँ पर यमुना की तरह नदी बह रही थी, गोवर्धन के जैसा मस्त बड़ा अच्छा अच्छा पर्वत था, सब कुछ वहाँ पर था, लेकिन कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे थे। तो वृंदावन में क्या होता है, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और नवद्वीप में राधा रानी बांसुरी बजाती है। तो उन्होंने बांसुरी बजाना शुरू किया और कृष्ण प्रकट हुए और कृष्ण उसको बोले कि हे राधे, ये जो प्रेम तुम प्राप्त कर रही हो, इस प्रेम का आस्वादन तो मैं खुद भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको इस प्रेम को प्राप्त करके कितनी खुशी होती है, वो मैं समझ नहीं सकता। और राधा रानी ने कहा कि उस खुशी के लिए तुमको खुद आना पड़ेगा, उस खुशी को आस्वादन करने के लिए। कि जैसे समझो जीभ है और रसगुल्ला है, रसगुल्ला के अंदर बहुत स्वाद होता है, राइट, तो वो स्वाद जो है केवल जीभ ले सकती है, रसगुल्ला तो नहीं ले सकता। तो रसगुल्ला सोचे कि मैं अपना स्वाद लूंगा तो कैसा करना पड़ेगा, उसको जीभ बन के आना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और ये जो प्रेम तुम सबको प्राप्त हो रहा है वो मैं प्रेम फ्री में बांटूंगा सबको। तो ऐसा सोच के श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर अवतरित हुए। और इस नवद्वीप धाम का वर्णन कई शास्त्रों में वर्णित है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट धाम है। जैसे हमारे चार युग है और चार धाम है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। और चार धाम कौन से, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और जगन्नाथपुरी। और इन चारों में वृंदावन और नवद्वीप का वर्णन नहीं हुआ है, क्योंकि वृंदावन और नवद्वीप ये
टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस के परे है, ऊपर है, बियॉन्ड है, और ये हमेशा नित्य एग्जिस्टिंग रहते हैं ये धाम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस धाम धरातल पर आए और इस प्रकार से आए कि उनके जैसा महादानी, उनके जैसा दाता शिरोमणि और कोई नहीं। इसके लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको दाता शिरोमणि कहते हैं कि परम करुणा बहुत ही जन निताई गौर चंद्र सब अवतार सर शिरोमणि केवल आनंद कंद। के सब अवतार सार शिरोमणि, सबसे अवतारों के अंदर सबसे श्रेष्ठ श्री चैतन्य महाप्रभु है। क्यों? क्योंकि वो चीज दे रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं दी, जो इतना फ्री, इतना इजीली एक्सेस किसी ने नहीं दिया, वो एक्सेस देने के लिए आ रहे हैं। इसके लिए रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु की स्तुति में उन्होंने बहुत अच्छा एक श्लोक लिखा है जिसमें वो कहते हैं कि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में अवतरित हुए थे। तो नवद्वीप धाम जो है ये दिव्य चिंतामणि धाम है, और वैसे तो इसको मापा नहीं जा सकता, इसका बखान भी नहीं किया जा सकता अच्छी तरह से, हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन ऐसा बताते हैं कि 168 माइल्स में ये नवद्वीप धाम फैला हुआ है, और इस 168 माइल्स को पूरा एक लोटस से कंपेयर किया गया है। और लोटस मतलब कमल के 8 दल होते हैं और दल के बीच में एक होल होता है HORL जो उसका, तो वहाँ पर मिडल जो है ये नवद्वीप मंडल है, ये 32 माइल्स का है और इसमें 9 आइलैंड है, और उस नवद्वीप का जो मध्य है, सेंटर है, उसको बोलते हैं अंतरद्वीप। तो 9 द्वीप में से पहले द्वीप का नाम क्या है? अंतरद्वीप। आप सभी लोग 9 द्वीप का नाम जानते हैं, तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम 9 द्वीप का नाम भी जाने और इसको याद कर ले ताकि हमारे मेमोरी में फिट हो, और कभी हम लोग जाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो हम लोग जाके इसको विजिट कर सकते हैं। तो पहले द्वीप का नाम क्या है? अंतरद्वीप। और उस अंतरद्वीप में जो सेंटर है उसको बोलते हैं मायापुर। ये 3 माइल्स का है मायापुर सरकमफेरेंस, और मायापुर का सेंटर जो है वो क्या है? योगपीठ। तो योगपीठ वो स्थान है जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जो धराधाम में रहते हैं अपने, वो यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। इसके लिए इसको बोलते हैं योग कनेक्शन, और पीठ मतलब स्थान, और योगपीठ का जो सेंटर है वो चैतन्य महाप्रभु है जिन्होंने एक नीम वृक्ष के नीचे अपना जन्म लिया था। तो वो नीम का वृक्ष जो है वो सेंटर है। तो दुनिया का सेंटर नवद्वीप, नवद्वीप का सेंटर अंतरद्वीप, अंतरद्वीप का सेंटर मायापुर, मायापुर का सेंटर योगपीठ, और योगपीठ का सेंटर वो नीम का वृक्ष जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया। और इस द्वीप को अंतरद्वीप क्यों कहते हैं तो आपको संक्षेप में बताता हूँ, आपको कथा शायद पता होगी। तो ये अंतरद्वीप जो है वो आत्मनिवेदन को रिप्रेजेंट करता है, और आपको ये कथा पता रहेगी कि ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का एक बार अपराध किया था। आपको कथा पता है ना कि जब कृष्ण का पूरा दिन में क्या काम होता था, वो गाय चराने के लिए जाते थे और वहाँ पर खेलते रहते थे, फिर कोई ना कोई एक डीमन आता था राक्षस, भगवान उससे लड़ाई करते, उसको मारते, फिर उनको भूख लगती, वो लोग लंच करने के लिए बैठते, फिर लंच करने के बाद फिर खेलते और फिर अपने घर चले जाते थे। और जब वो लंच करते थे तो एक बार ऐसे बैठे हुए थे और सबने अपने अपने टिफिन अपनी अपनी पोटली खोली लंच की, और एक ग्वाल ने उसको एक समोसा था वो खाया और अपना झूठा समोसा अपने मुंह में से निकाल के कृष्ण को दिया और बोला, कृष्ण देखो ये समोसा मेरी माँ ने कितना अच्छा बनाया है, इसको चख के देखो। और ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं ये सीन कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो उनको विश्वास नहीं था कि इतने सब राक्षसों का जो मारा ये कृष्ण ने मारा है। और जब अघासुर का वध किया तो वो एकदम चकित हो गए और वो बोले, मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ कि ये बच्चा है कौन। और फिर दूसरे एक लड़के ने क्या किया, कचोरी खाई अपने मुंह में और मुंह का झूठा कचोरी कृष्ण को खिलाया। फिर तीसरे लड़के ने संदेश लिया और संदेश खाया और मुंह का झूठा संदेश कृष्ण के मुंह में डाला, बोला देखो कितना अच्छा संदेश बना है। तो ऐसा सब खा रहे थे और ब्रह्मा जी ऊपर से सोच रहे थे, कह रहे ये भगवान है, ये कैसी लीला कर रहा है। और उसके पहले कृष्ण क्या कर रहे थे, बंदरों के जैसे फुदक रहे थे, और एक वो बोलता था देखो मैं मोरू मोरू मोरू, मैं मोर के जैसे उड़ रहा हूँ, और कोई बोलता देखो मैं तोते के जैसे उड़ रहा हूँ,
कोई ऐसा ऐसा कुछ कुछ तो अलग अलग खेल रहे थे। फिर कोई बोलता देखो मैं मेंढक के जैसे जंप मारता हूँ, टर्र टर्र करके वो लोग जंप मारते थे। और किसी ने कृष्ण को कुएं में बताया, एक लड़का गया कुएं में आवाज किया हे, तो एको हुआ वापिस से आवाज आया हे, उसको लगा कोई है कोई है। तो कृष्ण को लगा देख कृष्ण कोई है करके, तो कृष्ण जाके अंदर कुएं में बोल रहा है कौन है रे, तो वापिस आवाज आई कौन है रे, उसे कोई है कोई है। तो ब्रह्मा जी बोले ये भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ऐसा भगवान ऐसी लीला कर रहा है। और कृष्ण ने पांच उंगली पांच अलग अलग अचार में डाली और चाटने लगे खाने लगे। तो जब इतने गोप उनको कृष्ण को खिला रहे थे, तो उनका एक सखा था जिसका नाम था मधुमंगल, बेचारा ब्राह्मण परिवार का था, बहुत गरीब था। और उस दिन वो कुछ लेके नहीं आ सका तो छाछ लेके आया था मटके में। अभी छाछ मतलब ब्रज का वेस्ट, कोई वैल्यू नहीं उसकी, मक्खन में निकालने के बाद जो बच जाता है उसको छाछ बोलते हैं। तो सोचा सब लोग अच्छा अच्छा व्यंजन खिला रहे कृष्ण को और मैं छाछ खिलाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो बेचारा चुपचाप मटका लेके वृक्ष के पीछे चला गया और वो सोचा वहाँ पे मैं पीता हूँ। लेकिन कृष्ण तो सबके हृदय में बैठे, भगवान कहते सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में, उनको पता चल गया। और वो जाके बोलने लगे ए मधुमंगल क्या कर रहा है तू। और मधुमंगल ने देखा कि अरे भी कृष्ण आ जाएगा। और कृष्ण जैसे उसकी ओर भागे, मधुमंगल ने वो मटका लेके छाछ का पूरा मुंह में डाल दिया घटक पीने की कोशिश की, लेकिन पूरा तो छाछ अंदर गया नहीं, तो क्या हुआ मुंह में भर गया छाछ। और कृष्ण बोला क्या मधुमंगल बता, बोला कुछ नहीं है। तो बोला बता, कृष्ण ने दोनों हाथ ऐसा बंद किया और उसके गाल पे मारा जोर से छपा, और जैसे ही मारा वैसे ही सारा सारा छाछ निकल के बाहर आया और कृष्ण ने उस छाछ को पी लिया। अभी ये सीन ब्रह्मा जी से सहन नहीं हुआ, ब्रह्मा ने बोला छी ये भगवान है कैसी। अभी सोचो ब्रह्मा जी का जो सिर है, ब्रह्मा जी को पूरा जो शरीर है वो किससे बना है, ज्ञान से। और चारों सिर हैं उनके और चारों सिर में इतना ज्ञान भरा हुआ है, और इतना भारी भरकम ज्ञान लेके भी कृष्ण को समझ नहीं पाए। तो जब ब्रह्मा जी जैसे महान जो देवता है वो भ्रमित हो सकते, तो हम लोगों की तो क्या बात है कि नहीं। साधारण मनुष्य कृष्ण से भ्रमित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अभी ये भगवान नहीं हो सकता, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। उन्होंने क्या किया, बछड़े थे उसको छुपा दिया ब्रह्मलोक में। और फिर कृष्ण देखे अरे बछड़े कहाँ गए, ढूंढने के लिए गए, तब तक ग्वालों को भी छुपा दिया। और ब्रह्मा जी ने एक मिनट के लिए छुपाया, लेकिन उनका एक मिनट इधर धरती पे एक साल बीत गया। और एक साल के बाद वो एक मिनट के बाद देखने लगे कि अरे देखता हूँ ब्रज में क्या उत्पात मचा है। तो देखा कि उधर बच्चे लोग वैसे ही खेल रहे हैं, गायक भी खेल रही है, बछड़े भी खेल रहे हैं। तो इधर देखा, देखा इधर बच्चे लोग सो रहे हैं ब्रह्म निद्रा में और वहाँ खेल रहे। तो ब्रह्मा जी इधर उधर देख के कन्फ्यूज हो गए, समझ में नहीं आया क्या हुआ। और फिर उन बछड़ों में से और उन ग्वालों में से चतुर्भुज विष्णु प्रकट हुए। और तब ब्रह्मा जी को समझा कि माय गॉड मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा अपराध किया विष्णु के प्रति, मेरे भगवान के प्रति। तो उनसे माफ़ी मांगने के लिए गए। और जब ब्रह्मा जी माफ़ी मांग रहे थे, तब उन्होंने देखा कि उधर बहुत सारे अलग 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 ब्रह्मा जी आ गए। तो एक ब्रह्मा जिसका चार मुख था, एक जिसका आठ मुख था, एक जिसका 16, 32, 64 मुख वाला, 1000 मुख वाला ब्रह्मा आया। और उन सब के बीच में ये ब्रह्मा जी एक कीड़े के जैसा अपने आप को महसूस करने लगे। और उनको लग रहा था कि मैं कितना बड़ा ब्रह्मा हूँ, कितना बड़ा पोस्ट पे हूँ, मैं लीडर हूँ, ये हूँ, वो हूँ। लेकिन सारा का सारा उनका भ्रम ज्यादा टूट गया। भगवान से उन्होंने माफ़ी मांगी और फिर उन्होंने कहा कि देखो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है इस मेरे पोस्ट की वजह से, तो आप कृपया मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उन्होंने उनको कहा कि ठीक है जाके तुम तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी इस नवद्वीप में आके यहाँ पे तपस्या करने लगे। और तपस्या जब वो कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और उनसे बड़े प्रसन्न होकर और ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया। और ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि देखो फ्यूचर में शायद मैं वापस से आपके प्रति अपराध नहीं करूं, तो आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा कि नहीं, अभी तुम ब्रह्मा जैसे पोस्ट पर नहीं रहोगे, क्योंकि तुमको बहुत घमंड हो गया था। अभी तुम्हारा जन्म होगा लेकिन एकदम गए गुजरे परिवार के अंदर, म्लेच्छ और यवन के परिवार में तुम्हारा जन्म होगा और तुम्हारा एकदम खराब जन्म ये रहेगा। लेकिन तुम भगवान के बहुत बड़े भक्त बनोगे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे, 192 राउंड रोज चैंटिंग करोगे, 300,000 नाम लोगे और तुम हरिनाम का प्रचार करोगे और नामाचार्य हरिदास ठाकुर के नाम से जाने जाओगे। तो उसको ब्रह्म हरिदास कहते हैं, उनका हरिदास के रूप में जन्म हुआ। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय से अपने अंतर से उनको एक बहुत ही सीक्रेट बताया और कहा कि देखो हरिदास ब्रह्मा जी, मैं जब आऊँगा चैतन्य महाप्रभु के रूप में
तो ये जो कृष्ण प्रेम इतना डिफिकल्ट है वो सबको मैं फ्री में बांटूंगा और इजीली बांटूंगा, कुछ योग्यता की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कोई प्रयास करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे अभी जिसको रास रचना था, जैसे शिव जी को जब रास में जाना था तो शिव जी को गोपी बनना पड़ा, तब जाके कहीं वो द्वारपाल बने, फिर नारद मुनि आए उनको भी गोपी बनना पड़ा, और लक्ष्मी गोपी बनने के लिए रेडी नहीं थी तो उनको रास में एंट्री नहीं मिली, राइट, आपको पता है वो स्टोरी। तो उन्होंने कहा कि ये जो डिफिकल्ट है वो सब मैं आराम से दे दूंगा, और ये जो है ये सीक्रेट है, मैंने अपने अंदर से कहा है, तुम्हें किसी को रिवील मत करना। इसके लिए इस द्वीप का नाम क्या पड़ा? अंतर द्वीप। इस नाम द्वीप का नाम क्या है? अंतर द्वीप। पहले द्वीप का नाम क्या है? अंतर द्वीप। फिर दूसरा द्वीप जो वहां पर है उसका नाम है सीमंत द्वीप। सो सीमंत द्वीप की स्टोरी ऐसा है कि एक बार भगवान शिव जी वो बहुत जोर से डांस कर रहे थे, नाच रहे थे एकदम, और बड़े ही उन्मत्त होकर वो चैंट कर रहे थे, गौरा 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 हे गौरा 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 कर रहे थे, और पार्वती माता ने उनको देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, बोले अरे आप ये क्या कर रहे हो, कौन सा नाम ले रहे हो आप, गौरा गौरा। तब शिव जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की ग्लोरीज उनको बताई पार्वती को, और कहा कि वह भगवान जिसका प्रेम अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है, वो चैतन्य महाप्रभु इस गौरांग महाप्रभु के रूप में आएंगे और सबको अपना प्रेम बांटेंगे, और कोई भी बाकी नहीं रहेगा, सबको ये प्रेम मिलेगा। तो फिर पार्वती ने सोचा कि अरे मुझे भी प्रेम चाहिए, क्योंकि मैं माया हूँ और कई बार मेरी ड्यूटी है कि मैं लोगों को भगवान से अलग करके रखती हूँ। तो वो गई वहाँ पर तपस्या करने के लिए, और जब तपस्या करने लगी तो श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर प्रकट हुए, और बहुत अच्छा गौर वर्ण था उनका, उनकी आंखें बड़ी बड़ी आंखें थी जो कान तक जा रही थी, और बड़ा सुवर्ण सुवर्ण वर्ण हिमांगो वरांग चंदनांग थी, कि इतना अच्छा सुवर्ण वर्ण था उनका। जैसे बाय द वे गौरांग महाप्रभु का नाम विष्णु सहस्त्र नाम में भी आता है, सुवर्ण वर्ण गौरांग। तो ये जो गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए, सुवर्ण वर्ण हेमांगो कहते हैं वहां पे, तो गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए, तो सोचो अगर आपके सामने गौरांग महाप्रभु प्रकट होंगे तो आप लोग खुश होंगे कि नहीं। लेकिन पार्वती रोने लगी, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अभी क्यों रो रही हो, अभी तो मैं प्रकट हो गया। तो बोला कि नहीं, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो बोले कि सबको तुम्हारी भक्ति मिल रही है, तुम्हारा प्रेम मिल रहा है, लेकिन केवल मैं ही बाकी रह जाती हूँ, क्योंकि मेरे को इतना डिफिकल्ट सर्विस दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि चिंता मत करो, जिस प्रकार से तुम पूर्णमासी होकर वृंदावन में सेवा करती हो, रक्षा करती हो, उसी प्रकार यहाँ नवद्वीप में तुम प्रौढ़ माया के रूप में जानी जाओगी, और माया की वजह से इस पूरे धाम का नाम पड़ेगा मायापुर। तो सीमंतनी देवी के रूप में वहां पर पार्वती का मंदिर है, जहां पर पार्वती गौर भजन कर रही है। और जब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा तो वो सीमंतनी देवी ने, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रज लेके और अपने मस्तक पे लगाया, और सिर के बीच में जो मांग होती है उसका बांग्ला में सीमंत भी बोलते हैं, तो इसके लिए वो सीमंत में वो उन्होंने डस्ट लगाया, इसलिए इस द्वीप का नाम पड़ा सीमंत द्वीप। तो जो अंतर द्वीप है उसके अंदर भी बहुत सारे अलग 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 जगहें हैं, जैसे योगपीठ है, मैंने आपको बताया चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है वो, फिर वहाँ पर शिवासांगन है और अद्वैत भवन है। तो अद्वैत भवन वो जगह है जहाँ पर अद्वैत आचार्य बैठ के शालिग्राम के रूप में भगवान की पूजा करते थे, तुलसी दल और गंगा जल उनको अर्पण करके, और उन्होंने भगवान को नीचे उतारा। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे एक बार महाप्रकाश निजाम में, बोला कि हे अद्वैत आचार्य, मैं क्षीर सागर के अंदर आराम से सो रहा था, लेकिन तुमने चिल्ला चिल्ला के और बुला बुला के मेरे को उठाया और मेरे को यहाँ पे ला दिया, तो मैं तुम्हारे बोलने की वजह से ही आया हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु, और वहीं पर श्रीवास आंगन है, तो श्रीवास जो है वो नारद मुनि के अवतार है, भगवान के बहुत अंतरंग भक्त है, और वो उनके पिता की उम्र के थे। तो उस घर में श्रीवास आंगन में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन शुरू किया, और श्रीवास आंगन जैसे भगवान की वृंदावन में रास स्थली है,
वैसे ये जो राजस्थली है, कीर्तन स्थली या शिवास आंगन है, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अंतरंग पार्षदों के साथ बहुत ही रोज बहुत कीर्तन करते थे और नृत्य करते थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार रोज रात को वो कीर्तन करते थे शिवास आंगन के अंदर, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कीर्तन आंदोलन की शुरुआत वहाँ पर की। और उसी आंगन के अंदर थोड़ा सा आगे जाके गदाधर भवन है, जहाँ पर गदाधर पंडित जो कि राधा रानी का स्वरूप है पंचतत्व के अंदर, तो अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु शिवास और गदाधर, ये पाँच पंच तत्व जो है, गदाधर पंडित का भी वहाँ पर स्थान है। और वही मायापुर के अंदर इस्कॉन का हमारा प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाया है, और भी बहुत सारे ऐसे स्थान है। वहाँ मुरारी गुप्ता का घर है, तो मुरारी गुप्ता जो है वो एक डॉक्टर थे और वो हनुमान जी के अवतार थे। तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्ता को कहा कि कृष्ण का नाम लो, लेकिन वो हमेशा राम का नाम लेते थे। तो उन्होंने कृष्ण का नाम लेने की कोशिश की तो ऐसा बोलते थे कृष्ण, जैसे कृष्ण बोलते थे राम, राम ना का नाम आता था और वो कृष्ण का नाम ले ही नहीं पाते थे। तो अपने आप को वो सुसाइड करने की उन्होंने कोशिश की, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका हाथ पकड़ा, बोला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोले हे प्रभु, आपने मुझे आदेश दिया है कृष्ण का नाम लेने के लिए, लेकिन मैं कृष्ण का नाम ही नहीं ले पाता हूँ, जब भी कृष्ण बोलता हूँ राम बाहर निकलता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा दैट ग्लोरियस इज द मास्टर लॉर्ड राम हु हैज सर्वेंट लाइक मुरारी गुप्ता एंड ग्लोरियस इज द सर्वेंट मुरारी हु हैज मास्टर लाइक लॉर्ड रामचंद्र जी। तो बोले तुम हनुमान का अवतार हो और उसको भगवान ने अपना रामचंद्र का रूप बताया। तो ऐसी बहुत सारी लीला वहाँ पर हुई है। और सीमंत द्वीप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक जगह है जिसका नाम है राजापुर, और उस राजापुर की खासियत ये है कि वहाँ पर श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया विराजमान है, और ये जगह जगन्नाथपुरी से अभिन्न है। जगन्नाथपुरी और राजापुर लगभग एक जैसे माने जाते हैं। तो इसकी कथा ऐसी है कि एक बार एक बहुत भक्त था भगवान का, जो हमेशा मायापुर से जगन्नाथपुरी जाया करता था, लेकिन जब वो बूढ़ा हुआ तो एक बार दूसरे भक्त लोग उसको छोड़ के चले गए और वो अकेला जा नहीं सका, उसका विजन भी ब्लर हो गया था, तो रोने लगा बहुत। तो जब रो रहा था तो भगवान जगन्नाथ उसके सपने में आए और उसको बोले, कह रहे तुम रो मत, कल सुबह तुम जब गंगा में स्नान करोगे तो एक लकड़े का कुंद आके तुमसे टकराएगा, और वो कुंद को लेके तुम इस पर्टिकुलरली कारपेंटर के पास जाना, और वो कारपेंटर उसको कुष्ठ रोग है, उससे जाके तुम ये मेरा विग्रह बनवाना, और वो बनाने के लिए रेडी नहीं होगा क्योंकि उसकी उंगलियां काम नहीं कर रही है कुष्ठ रोग के लेप्रेसी के कारण, पूरा गल गई है, लेकिन फिर भी तुम उसको बोलना और वो बनाएगा। तो जाके उन्होंने उसको दूसरे दिन बोला वो कुंद लेके, तो बोला मैं नहीं बना सकता। तो बोला नहीं 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 बनाओ। बहुत उन्होंने प्रयास करके उनको बोला, और जब वो छिन्नी हथौड़ा पकड़ के जब कर रहा था तो उसको बहुत हाथ में दर्द हो रहा था, खून निकल रहा था, और वो भगवान का विग्रह नहीं बना पा रहा था, लेकिन फिर बहुत मेहनत करके उसने श्री जगन्नाथ जी का विग्रह कार्य किया। और बाद में उस ब्राह्मण के सपने में वापस से जगन्नाथ आए और बोले कि एक दूसरा लकड़ा तुमको मिलेगा, उससे तुम बलदेव और सुभद्रा मैया बनाना। तो वो उन्होंने काव किया और वहाँ पर श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रकट हो गए और वहाँ पर उनकी पूजा आराधना शुरू होने लगी। लेकिन कालांतर में, ये 500 साल पहले की बात है, गंगा नदी का जब बाढ़ वगैरह आई थी तो ये मंदिर छुप गया और ये कहीं मिट्टी के अंदर विग्रह धंस गए। और कुछ सालों के बाद वहाँ पर एक जमीन में से ब्लू लोटस, एक नीला कलर का कमल वहाँ पर खिला। तो एक व्यक्ति उसको लेने के लिए गया तो उसको आवाज़ सुनाई दी कि मेरी सहायता करो, मुझे यहाँ से निकालो। तो वो डर गया, बोला अरे कौन है, कहीं भूत वूत तो नहीं है। तो फिर वो जाके अपने कुछ दोस्तों को लेके आया तो वापस ये आवाज़ आई, कह रहे मेरी सहायता करो, मुझे बाहर निकालो। तो ये आवाज़ किसकी थी? जगन्नाथ की आवाज़ थी। तो उन्होंने वहाँ से खोदा तो देखा वहाँ से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया निकले, और इतने साल में मिट्टी और पानी के नीचे रहने पर भी उनका विग्रह खराब नहीं हुआ, और वहाँ से श्री जगन्नाथ का वापस से प्रकट हुआ। बोलो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय।
तो जगन्नाथ जी आए, फिर उनकी पूजा अर्चना शुरू हुई, लेकिन कालांतर में वापस से वो पूजा अर्चना और नीचे होती चली गई। फिर वहाँ का जो पुजारी था उसने अभी कुछ साल के पहले ये मंदिर इस्कॉन को दे दिया और बोला इस्कॉन वाले जो है ये इनकी देख रेख करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा मंदिर संभालते हैं। और उसके बाद आप अगर मायापुर गए हैं तो राधा माधव को, और उस कैंपस में मायापुर के बहुत सारे स्टॉल है जहाँ पर राधा माधव का महाप्रसाद मिलता है और राधा माधव का 56 भोग और इतने सारे पिज़्ज़ा बड़ा बड़ा रोज़ रोज़ ऑफर होता है और इतना सब कुछ मिलता था। और जगन्नाथ जी तो खाने के लिए बने है कि नहीं, जगन्नाथ जी का काम क्या है कलयुग में, खाली खाना। लेकिन बेचारे को खाना इतना नहीं मिल रहा था तो उन्होंने देखा राधा माधव को बहुत मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है। तो क्या करते थे, इधर से भाग के और राधा माधव का प्लेट छीनने के लिए जाते थे। तो फिर बाद में उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा सब नहीं हो सकता है, तो एक भोग का बड़ा थाल राधा माधव मंदिर से जगन्नाथ के लिए भेजो। तो आज भी वो जगन्नाथ को वो थाल आता है और जगन्नाथ को वो भोग लगता है वहाँ पे। तो ये है सीमंत द्वीप में। और सीमंत द्वीप में वहाँ पर और भी, जैसे कोलावेज श्रीधर का घर है, तो कोलावेज श्रीधर भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे। और केला, कोला मतलब होता है केले का पत्ता, केले बेचते थे वो, और केला और केले का पत्ता बेच के अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु छोटे से निमाई के रूप में रोज आके उनके साथ झगड़ा करते थे और उनके केले का पत्ता और एकदम कम दाम में छीन के लेके जाते थे। जैसे 10 रुपये का अगर पत्ता है तो 1 रुपया देते थे और उसको बोलते कि तुम बहुत पैसा कमाते हो। और बेचारा श्रीधर जो है वो जो भी उससे इनकम होता था 50% वो गंगा मैया को दे देता था, अर्पण करता था, और 50% में अपना काम चलाता था। और उसकी जो झोपड़ी थी उसमें इतने सारे छेद थे कि असली झोपड़ी का छत दिखाई नहीं देता था। और बेचारे की धोती थी, जितनी उसकी धोती नहीं थी उससे ज़्यादा उसके अंदर छेद थे, इतना गरीब था वो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उसको बोलते हैं कि तुम बहुत बड़ा आदमी है, और ऐसा उसकी खींचते थे टांग। तो कहते कि अरे देखो मेरी धोती देखो, मेरा छत देखो, कितने छेद है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, तुम्हारे पास सच्ची सच्ची वेल्थ है और ये वेल्थ मैं एक दिन पूरी दुनिया को दिखा के रहूँगा कि कितनी संपत्ति है तुम्हारे पास। तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, श्रीधर के घर पे गए और श्रीधर के घर पे एकदम टूटा फूटा काला कलूटा एकदम एक लोटा पड़ा हुआ था, कोई एल्यूमिनियम टाइप का ऐसा कुछ तो। और उस लोटे से जाके श्री चैतन्य महाप्रभु ने पानी पी लिया। तो श्रीधर बोला हाय हाय ये क्या किया तुमने, मैं इतना गिरा हुआ हूँ और इतने गंदे लोटे से तुमने पानी पिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस लोटे के पानी में वो अमृत है जो इस दुनिया के पूरे अमृत को फैल कर देता है। ये अमृत जो है ये तुमने छुपा के रखा है श्रीधर, और मैं दुनिया को बताऊंगा। तो इस प्रकार से वो लीला करते थे। तो पहला द्वीप का नाम क्या, अंतर द्वीप। दूसरे द्वीप का नाम सीमंत द्वीप। और तीसरा द्वीप है जिसका नाम है गोद्रुम द्वीप। सो गो का मतलब होता है गाय और द्रुम का मतलब होता है वृक्ष। सो गाय मतलब सुरभि। तो ये नवद्वीप का ये जो भाग है, नवद्वीप मंडल जो है, ये प्रलय में भी जाता नहीं है, प्रलय में भी वैसे रहता है। तो जब प्रलय हुआ था और मार्कंडे मुनि इस प्रलय में घूम रहे थे और हर जगह पानी ही पानी था, उनको पीने के लिए कुछ नहीं मिला, तो वो इस जगह पर आए और यहाँ पर सुरभि गाय ने उनको अपना दूध पिलाया और उनका पोषण किया है कि नहीं। तो गाय जो है उसका दूध बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो माँ तो क्या 1 महीना 2 महीना 4 महीना 1 साल 2 साल दूध पिलाती है, लेकिन पूरी जिंदगी भर कौन दूध पिलाता है हमारे को, गाय माता दूध पिलाती है। इसलिए गाय हमारी माता है। और बैल जो है वो खेतों में खेती करके और अन्न पैदा करके देता है और हमको खिलाता है, तो वो हमारा बाप हुआ। तो गाय और बैल जो है उसको कभी मारना नहीं चाहिए, कभी उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब चांद काशी से उसका जब डायलॉग हो रहा था तब उन्होंने कहा कि अरे माता पिता मारी खाए कौन बड़ो धर्म, कह रहे तुम माँ और बाप को मार के खाते हो, क्या बात करते हो तुम, ऐसा करके कहने लगे। तो एक बार एक लड़का एग्जाम में उसको निबंध लिखने के लिए बोला गया, बोला गाय पे निबंध लिखो। तो उसको कुछ आता नहीं था, उसने खाली एक लाइन लिख दिया, गाय हमारी माता है इसके आगे कुछ नहीं आता है। तो टीचर भी बड़ा स्याणा था, उसने भी लिख दिया नीचे कि बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। सुरभि गाय ने वहां पे उसको बचाया। तो जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान का अपमान किया था एक बार, उसी प्रकार इंद्र ने भी भगवान का अपराध किया था गोवर्धन लीला के टाइम पे, हम अभी बता रहे थे। तो जब इंद्र ने भगवान का इतना अपमान किया और ब्रजवासियों को मारना चाहा, बाकी तो दूसरे डिमन खाली कृष्ण को मारना चाहते थे, लेकिन यहां पर इंद्र तो ब्रजवासियों को मारना चाहता था, तो इतना शर्मिंदा वो हो गया कि भगवान के सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई।
वो बोला मैं कौन सा मुंह लेके भगवान के सामने जाऊंगा, इतना बड़ा अपराध कर दिया मैंने। लेकिन फिर उसको समझ में आया कि भगवान किससे प्रेम करते हैं, गायों से प्रेम करते हैं। तो वो सुरभि गाय के पास गया और सुरभि गाय से जाके प्रार्थना किया, बोला मैया मेरे को बचा ले तू और मेरे को माफ़ी दिलवा दे कृष्ण के पास से। तो सुरभि इंद्र को लेके आगे आगे गई और इंद्र सुरभि की पूंछ पकड़ के पीछे पीछे चलने लगा। सोचो इंद्र राजा है, स्वर्ग का राजा, वो राजा एकदम गाय की पूंछ पकड़ के पीछे पीछे चलने लगा। और क्योंकि सुरभि उसके साथ में गई थी इसलिए कृष्ण ने उसको माफ़ कर दिया, नहीं तो शायद कृष्ण उसको माफ़ नहीं करते थे। तो इसके लिए इस जगह पे जहाँ पर सुरभि और वहाँ पर इंद्र ने बहुत साल तक तपस्या की और श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा बाद में प्राप्त की, तो उस स्थान को बोलते हैं सुरभि कुंज। तो सुरभि कुंज में श्री नित्यानंद प्रभु ने अपना सबसे पहला नाम हट्ट चालू किया। तो बड़ो बड़ो क्या वो सॉन्ग है, बड़ो सुखेर खबर गाय, बड़ो सुखेर खबर गाय, सुरभि कुंजे ते नामेर हाट खुले छे, खोड़ा नीताय खोड़ा नीताय। तो वहां पर नित्यानंद प्रभु खुद उन्होंने क्या किया, नाम हट शुरू किया, पहला नाम हट। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी सुरभि कुंज के अंदर अपना घर बनाया। गुरुदेव बड़ा कृपा करी, ब्रज भूमि में है और यू नो गौर भूमि में मेरे को वास दिया, ऐसा एक वो भजन गाते हैं। तो उन्होंने अपना घर बनाया जिसका नाम रखा स्वानंद सुखद कुंज। और भक्ति विनोद ठाकुर आप सब जानते हैं प्रभुपाद जी के गुरु के पिता है और इतने एक्सपर्ट मजिस्ट्रेट थे कि अंग्रेजों ने उनके घर से कोर्ट तक एक रेल लाइन बिछाई है। उस रेल में बैठ के वो अपने कोर्ट में जाते थे और 2 मिनट के अंदर केस सॉल्व कर देते थे। जो केस को करने में अंग्रेजों को 4-4 घंटे लगते थे, भक्ति विनोद ठाकुर 5 मिनट में कर देते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ये कल्पना की थी कुछ 150 साल पहले कि बहुत सारे लोग रशिया और पुरुषिया से, मतलब फ्रांस से और इधर उधर से आके और मायापुर में आएंगे और सब लोग एक साथ हाथ पकड़ के बोलेंगे जय सचिनंदन गौर हरी। ये विजन भी भक्ति विनोद ठाकुर का था और कोई समझ नहीं पा रहा था 150 साल पहले, किसको मालूम था मायापुर क्या है, है कि नहीं, कोई नहीं जान पाता था, लेकिन उन्होंने ऐसी कल्पना की थी। तो ये जो तीसरा द्वीप है इसका नाम क्या है, गोद्रुम द्वीप। ठीक है, पहला द्वीप, दूसरा द्वीप, तीसरा द्वीप गोद्रुम द्वीप और चौथे द्वीप का नाम है मध्य द्वीप। तो एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र सप्त ऋषि, उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने भी गौर भजन किया था, आप लोग भी गौर भजन करो। तो वो लोग गौर भजन करने लग गए और भजन करते करते उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न किया और दिन के उजाले में जहाँ पे सूर्य एकदम चमचमा रहा था और बहुत सूर्य की आभा थी, उस आभा के अंदर मध्य में श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर प्रकट हुए और चैतन्य महाप्रभु का एकदम गौर वर्ण था और बड़ी बड़ी आंखें थी, बहुत सुंदर उनकी मुस्कान थी और बहुत अच्छे उन्होंने कपड़े पहन के रखे थे और ऐसा मस्त लग रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु की आभा के सामने सूर्य की आभा फीकी पड़ गई और वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऋषियों को आशीर्वाद दिया और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु मध्य में, दिन के मध्य में प्रकट हुए थे, इसलिए उस जगह का नाम कहते हैं मध्य द्वीप। तो चौथे द्वीप का नाम क्या है, मध्य द्वीप। और यहाँ पर मध्य द्वीप में इन ऋषियों ने बहुत साल तक तपस्या की और श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए। तो ये द्वीप जो है ये गंगा के आई थिंक ईस्टर्न साइड पे 4 द्वीप है और गंगा के वेस्टर्न साइड पे और 5 द्वीप है। तो पहला द्वीप का नाम, दूसरा, तीसरा, चौथा मध्य द्वीप। और मध्य द्वीप में वहाँ पर गोमती रिवर है, नैमिषारण्य भी है जहाँ पर भागवत कथा हुई थी, गौर भागवत कथा हुई थी, वहाँ पर ब्रह्म पुष्कर तीर्थ भी है और वहाँ पर हंस वाहन करके एक जगह है। जब शिवजी को भगवान चैतन्य महाप्रभु की भागवत सुननी थी, गौर भागवत सुननी थी, तो उनका बैल जो नंदी धीरे धीरे चलता है, तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी का वाहन हंस को छीन लिया और हंस पर बैठ के शिवजी भागे कथा सुनने के लिए। तो जब कथा होती है तो हमको भी तुरंत भागना चाहिए और भाग के कथा सुनना चाहिए, इतना कथा का पावर है। और उसके बाद जो 5वां द्वीप है उसका नाम है कोल द्वीप। तो कोल मतलब वराह देव, तो बंगाल में शुकर को कोल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर वराह देव प्रकट हुए थे और 9 द्वीप इस गौर भूमि में
भगवान के सारे अवतार आए थे, नरसिंह देव आए थे, वराह देव आए थे, कृष्ण आए थे, राम आए थे, सारे के सारे अवतार वहां पर आए थे। तो वराह देव वहां पर प्रकट हुए थे और एक वासुदेव नाम का ब्राह्मण था जो वराह देव का बहुत बड़ा भक्त था और उसको प्रसन्न करने के लिए वराह देव वहां पर प्रकट हुए थे। तो उस देव को, उस जगह को बोलते वराह क्षेत्र। और वो कहते हैं कि कलयुग के अंदर मैं वापस से श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा और वासुदेव तू यहीं बैठकर भगवान का भजन कर, ऐसा वराह देव ने उनको कहा था। और क्योंकि वराह को कोल कहते हैं, इसका नाम है कोल द्वीप या कोल पर्वत, तो वहां पर एक गोवर्धन के जैसा बहुत ही मस्त गोवर्धन पर्वत है, एकदम गोवर्धन के सदृश, और लोग वहां पर जाके परिक्रमा करते हैं। तो नवद्वीप के अंदर राधा कुंड भी है, श्याम कुंड भी है, गोवर्धन भी है, यमुना भी है और सब कुछ है, सारा ब्रज का जितना भी तालवन, भांडिरवन, खादिरवन जो कुछ भी है, बेलवन, मधुवन, लोहवन सब है वहां पर। और वहां पर प्रौढ़ माया का मंदिर है और जगन्नाथ दास बाबा जी और वंशीधर बाबा जी का भजन कुटीर है। सो जगन्नाथ दास बाबा जी आप जानते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु थे और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का जो बर्थ प्लेस है योगपीठ उसको ढूंढा था। तो वो 125 वर्ष के थे और भक्ति विनोद ठाकुर उनको टोकरी में लेके गए और जैसे ही उन्होंने उस जगह को देखा जोर से उछले गौर गौर करते करते और उन्होंने उस स्थान का पता लगाया। तो आज हम लोग जो जाके योगपीठ में अपना माथा टेकते हैं वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की वजह से है, वो उनके भजन कुटीर है वहां पर और चंपाहट्टी करके वहां पे एक जगह का नाम है। तो वापस रिविजन करते हैं, पहले द्वीप का नाम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हरिबोल, आपको सब याद हो गया। तो छठा द्वीप जो है उसका नाम है ऋतु द्वीप। सो ऋतु का मतलब होता है ऋतुएं, सीजन, ठीक है। हमारे कितने सीजन है? छह सीजन है, कोई बोलता है चार, कोई बोलता है छह, लेकिन छह सीजन है। लेकिन गौर भूमि में, गौर मंडल में केवल एक ही सीजन प्रोमिनेंट होता है और वो है वसंत ऋतु। तो सब ऋतु आपस में बैठ के बात कर रहे थे कि भगवान कब हमारे पास आएंगे और वसंत ऋतु के अंदर भगवान ने आविर्भाव लिया, इसके लिए वसंत को ऋतुओं का राजा कहते हैं। और गौर मंडल में जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रहते हैं वहाँ पे चाहे सारे सीजन हो लेकिन प्रोमिनेंटली वसंत ऋतु होती है और इसके लिए इन ऋतुओं को भी भगवान की कृपा मिली, इसलिए इस द्वीप का नाम है ऋतु द्वीप। और यहाँ पर एक राधा कुंड है और जब नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को लेकर परिक्रमा पर आए थे और पूरा नवद्वीप मंडल का परिक्रमा करवा रहे थे तो इस स्थान पर आकर उन्होंने बहुत ही नृत्य किया और वो कहने लगे जीव गोस्वामी को कि यहाँ पर राधा कुंड है और इस राधा कुंड के पास जब श्री चैतन्य महाप्रभु आते थे तो प्रेम में उन्मत्त होकर वो घंटों घंटों यहाँ पर डांस करते थे। और नित्यानंद प्रभु ने ऐसा डांस किया वहाँ पे कि मूर्छित पड़ गए और मूर्छित पड़ने के बाद दो घंटे तक डिवोटी लोगों ने वहाँ पे कीर्तन किया और तब जाके नित्यानंद प्रभु को होश आया। और किसी ने कहा नित्यानंद प्रभु के, अरे भगवान तो चले गए हैं संन्यास लेके, और नित्यानंद प्रभु वहाँ पे रोने लगे और राधा कुंड के तट पे ये सब हुआ। तो ये सब कहाँ पर है? ऋतु द्वीप में। तो इस द्वीप का नाम है ऋतु द्वीप और इस ऋतु द्वीप में सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है। और बाद में नेक्स्ट द्वीप है जिसका नाम है जानू द्वीप, तो उसको लोकल भाषा में जाननगर भी बोलते हैं, जाननगर। आप अगर जाओगे तो स्टेशन का नाम है जाननगर। तो जानू मुनि के बारे में आपको पता है, कोई जानता है स्टोरी? सो एक बार ऐसा हुआ कि अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भागीरथ, उन्होंने क्या किया, गंगा को इस धरती पे बुलाया और गंगा सीधी की सीधी पाताल में नहीं चली जाए इसके लिए शिव जी ने क्या किया, गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और फिर धीरे से छोड़ा। और भागीरथी मुनि आगे आगे जा रहे थे गंगा को लेकर शंख बजाते बजाते और गंगा उनके पीछे 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 चल रही थी। फिर अचानक एक जगह पर उन्होंने देखा कि गंगा गायब हो गई। तो उन्होंने कहा, अरे गंगा गायब कहाँ हो गई, मैं तो पूरा अपने पूर्वजों का उद्धार के लिए गंगा को लेके आया, गंगा गायब कहाँ हुई? तो गंगा का इतना प्रवाह और वेग था कि इस आश्रम में जानू मुनि बैठ के तपस्या कर रहे थे तो उनका कमंडूल रखा था वो गंगा में बह गया, उनकी लाठी थी वो गंगा में बह गई और उनका जो गमछा था वो खुल के और बह गया। तो जानू मुनि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, ऐसा किया और सारा का सारा गंगा हुप एक ही बार में उनके अंदर चला गया। अब सोचो जानू मुनि, गंगा सागर हम लोग कहते हैं राइट, गंगा कितना बड़ा है, वो गंगा खाली एक छुटकी उन्होंने लिया
और एक चुस्की के अंदर उन्होंने गंगा को अंदर कर लिया, तो सोचो भगवान क्या नहीं कर सकते। और फिर भागीरथी बोले, एकदम डिसअपॉइंट होकर बोले, अरे जानू मुनि आपने ये क्या किया, इतना बड़ा मुश्किल से मैं गंगा को लेके आया, मेरे पूर्वजों ने इतनी कोशिश की और आपने उसको हड़प कर लिया, अभी उद्धार हमारा कैसा होगा, अभी गंगा को बाहर निकालो। तो बोले गंगा को ऐसे तो बाहर नहीं निकाल सकते, अगर नीचे से निकालेंगे तो भी बेकार है और उल्टी करके निकालेंगे तो भी गंगा झूठी हो जाएगी। तो कोई कहता है कि जानू मुनि ने अपने जांग में से और गंगा को बाहर निकाला, और कोई कहता है कान में से निकाला, लेकिन उन्होंने वापस गंगा को बाहर प्रकट किया, इसलिए गंगा का एक नाम क्या है, जानवी। जानवी टाटव जगा मान लो भा, तो जानवी उनका नाम हुआ जानू मुनि की पुत्री के रूप में, क्योंकि जानू मुनि ने उसको जन्म दिया एक तरह से। तो ये जानू मुनि, ये लीला यहाँ पर हुई थी, इसके लिए इस द्वीप को क्या बोलते हैं, जानू द्वीप। सो जानू द्वीप में जानू मुनि का आश्रम है और वहां पर भीष्म की लीला भी हुई थी। तो ये कौन सा द्वीप था, सातवां नंबर, ठीक है। पहला नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब लोग बोलो, सबको नहीं याद हुआ क्या, पांचवा द्वीप गोलद्वीप, छठा, सातवा जानू द्वीप, और आठवां द्वीप का नाम है मोद द्रुम द्वीप। द्रुम का मतलब मैंने आप लोग को बताया था वृक्ष झाड़, और मोद का मतलब क्या होता है, मोद का क्या मतलब होता है, मोद मतलब होता है आनंद या स्माइल। तो इस स्थान पर भगवान रामचंद्र जी ने अपना विस्मित स्माइल दिया था। तो आप सब जानते हैं भगवान रामचंद्र जी धीर पुरुष एकदम, जब राजा बनने वाले थे ये समाचार मिला तो भी भगवान रामचंद्र जी एकदम वैसे के वैसे थे, धीर थे, और जब पता चला कि आप राजा नहीं बनोगे आपको जंगल में जाना पड़ेगा तो भी उनको कोई दुख नहीं हुआ, वो वैसे के वैसे ही थे। तो भगवान रामचंद्र जी सीधे साधे भोले वाले धीर पुरुष, कभी अधीर नहीं होते वो होते। लेकिन जब उनको वनवास मिला और वनवास में घूमते घूमते, जैसे मैंने बताया कि सारे के सारे भगवान के अवतार यहाँ पर आए हैं, तो वो घूमते 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 नवद्वीप में आए और नवद्वीप की प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर बहुत खुश हुए, और बहुत खुश होकर एक वृक्ष के नीचे बैठ के और मंद मंद मुस्कुराने लगे, जो जनरली रामचंद्र जी ऐसा करते नहीं है। तो उनको मुस्कुराते हुए देखकर सीता माता ने उनसे पूछा कि अरे प्रभु आप मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि मैं कुछ देख पा रहा हूँ और वो देख के मैं मुस्कुरा रहा हूँ। तो सीता ने कहा कि ऐसा क्या देख पा रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि मैं कलयुग के अंदर श्री चैतन्य के रूप में आऊंगा, और यहाँ तो मुझे जबरदस्ती वन में भेजा गया है, वहां तो मैं अपने मन से संन्यास लूंगा और मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। और उन्होंने कहा कि जब मैं घर छोड़ के जाऊंगा तो मेरी माँ और मेरी पत्नी को बहुत दुख होगा और वो बहुत रोने लगेगी। तो सीता को ये सुन के बहुत दुख हुआ, उन्होंने कहा अरे प्रभु आप क्यों उनको रुलाएंगे, ऐसा क्यों करेंगे, आप उनको क्यों रोना देना चाहते हो। तो भगवान रामचंद्र ने कहा कि सबसे बड़ा जो प्रेम की पराकाष्ठा है वो है संभोग, लेकिन संभोग से भी ऊपर जो पराकाष्ठा है वो है विप्रलंब। सो विप्रलंब के अंदर भगवान का जो प्रेम मिलता है बिछड़ने के बाद, और जो बिछड़ के अंदर जो जो प्रेम की जो प्राप्ति होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, इसके लिए विप्रलंब भाव जो है वो सबसे हाईएस्ट भाव है। और फिर उन्होंने सीता को कहा कि इस युग में मैं तुम्हारी सोने की मूर्ति की पूजा करूंगा और कलयुग के अंदर तुम मेरी सोने की मूर्ति की पूजा करोगे। लेकिन सीता को पूरा हिंट बताया नहीं कि क्या होगा ऐसा करके, और सीता को बाद में उलझा दिया। तो क्योंकि रामचंद्र जी जानते थे कि रावण आके लेके जाएगा, ये सब घटना होगी, और उसके बाद सीता सोने की सीता को बना के वो एक यज्ञ करेंगे। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो उनकी उम्र थी खाली 24 साल। चैतन्य महाप्रभु 48 साल तक इस धरातल पर रहे, 24 साल तक सन्यासी के रूप में, 24 साल तक गृहस्थ के रूप में, 16 साल में उन्होंने शादी की थी और 24 साल में उन्होंने शायद सन्यास लिया था। और विष्णु प्रिया की उम्र 16 या उससे थोड़ी कम होगी, और 96 ईयर में उसने अपने प्राण त्यागे, तो 80 साल का विरह था। तो चैतन्य महाप्रभु की ग्लोरी सभी जानते हैं, उनके बारे में सब जानते हैं, लेकिन विष्णु प्रिया का दर्द कोई नहीं समझता। क्या आप सोचो एक लेडी 80 साल तक जो अपने पति से अलग रही, और जब उन्होंने संन्यास लिया तो जानती थी कि ये मेरे पति है यहाँ पर है, लेकिन उनसे मिल नहीं सकती थी। तो उन्होंने बहुत कठिन व्रत किया
और रोज हरे कृष्ण महामंत्र जप करती थी और एक चावल का दाना रखती थी, एक मंत्र करती थी चावल का दाना, और जितने चावल के दाने उसने रखे उतने से खाली बना के और खाती थी, और उन्होंने पूरा अपना जीवन बिताया। इतना कठिन तपस्या उन्होंने किया। और चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने अपने में से एक सोने की मूर्ति उन्होंने प्रकट की और वो विष्णु प्रिया को देख के बोले कि इसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, तुम ये सोने की मूर्ति की पूजा करना। तो भगवान राम ने वहाँ सीता को सोने की मूर्ति की पूजा की थी, यहाँ पर विष्णु प्रिया जो सीता ही है उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति की वहाँ पर पूजा की थी। और क्योंकि भगवान रामचंद्र जी यहाँ पर बैठ कर मुस्कुराए थे इसके लिए इसको क्या कहते हैं, मोद द्रुम द्वीप। ठीक है, तो ये आठवां द्वीप है और यहाँ पर सारंग मुरारी का घर है, वासुदेव दत्त का घर है और मदन गोपाल का मंदिर है और श्री वृंदावन दास ठाकुर का ये बर्थ प्लेस है। इस जगह को मामगाछी भी बोलते हैं और उस मामगाछी के अंदर वासुदेव दत्त भगवान के बड़े भक्त हुए और श्री वृंदावन दास ठाकुर जो व्यास देव जी का अवतार है जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखा, उस चैतन्य भागवत की उन्होंने यहाँ पे रचना की, उनका बर्थ प्लेस है इस जगह पे मोददुरुम द्वीप के अंदर। तो वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत, कभी हम आपको चांस मिले तो चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत पढ़ने की कोशिश करना। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत जो है वो असली बंगाली मिठाई है। आप लोग जो बंगाली मिठाई इतनी फेमस है हम जानते हैं, चौम चौम संदेश और ये सब, वो सब फेल है उसके सामने, क्योंकि जिस तरह से श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया गया है ऐसा वर्णन और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो ये कौन सा द्वीप है, मोददुरुम द्वीप, और लास्ट द्वीप का नाम है रुद्र द्वीप। सो रुद्र का मतलब होता है शिव जी, भगवान शिव। सो भगवान शिव ने भी यहाँ पर भयंकर तपस्या की थी और श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर प्रकट हुए थे और यहाँ पर 11 रुद्र हमेशा विद्यमान रहते हैं। और जैसे कि नवद्वीप में सारे के सारे भक्त, सारे भगवान सब लोग वहाँ पर आए थे, तो वहाँ पर शंकराचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य सब लोग आके गए और विष्णु स्वामी जो थे उन्होंने जब तपस्या की तो शिवजी प्रकट हो गए और उन्होंने शिवजी से आशीर्वाद मांगा कि हम वैष्णवों का आप ध्यान रखना और हमारी परंपरा को आगे बढ़ाना। और शिवजी ने तथास्तु कहा और उस परंपरा को शिवजी ने अपना नाम दिया जिसको हम रुद्र परंपरा के नाम से जानते हैं। तो आप जानते हैं हमारी चार परंपराएं, बोनाफाइड परंपरा कौन कौन सी, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय के जो आचार्य है विष्णु स्वामी है और ये शिवजी की परंपरा है। तो इसके अंदर यहाँ पर विष्णु स्वामी आए थे और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आज की तारीख में जो रुद्रद्वीप है अगर आप वहाँ पर जाओगे तो मंदिर है, उस मंदिर में राधा माधव के विग्रह और राधा माधव के बाजू में श्री चैतन्य महाप्रभु का एक स्पेशल विग्रह है और वो चैतन्य महाप्रभु के सामने बैठकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 10 साल तक हरिनाम यज्ञ किया था, हरिनाम का जप किया था और 192 राउंड्स वो पूरा दिन का करते थे और उन्होंने एकदम जैसे कि चतुर्मास्य का व्रत का पालन करते वैसे व्रत का पालन किया पूरा इतना टाइम तक। और वो दाल और चावल बनाते थे बिना नमक के और बिना मिर्ची के और वो बना के ज़मीन पर फेंक देते थे और हाथ को पीछे करके और 3 बार उस ज़मीन से चाट के खाते थे उसको और जितना चावल और दाल उनके मुँह में आ गया बस उतना ही खाते थे। ऐसी भयंकर तपस्या करके उस चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति के सामने उन्होंने जप किया, वो कहीं और था लेकिन अभी उसको रुद्रद्वीप में लाया है और हमारा बड़ा सौभाग्य था कि हमने उस चैतन्य महाप्रभु के विग्रह के दर्शन किए तो वो भी अभी रुद्रद्वीप में है। तो ये 9 द्वीप के 9 द्वीप है, मेरे ख्याल से आपको याद हो गए रहेंगे, हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है, पहला द्वीप का नाम सब लोग साथ में बोलिए, दूसरा, तीसरा, चौथा मध्य द्वीप, पांचवा कोल द्वीप, छठा सातवा जानु द्वीप, आठवा मोददुरुम द्वीप और नौवा रुद्र द्वीप। जय श्री नवद्वीप धाम की, जय श्री गौरांग महाप्रभु की। तो आपको ये सब नाम याद हो गए, ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि जो ऐसा भजन गाया है भक्ति विनोद ठाकुर ने, गौरा मार जे सब स्थान करी लो भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरी बामी प्रणय भक्त संगे, कि हमको भक्तों के संग में जाके इस नवद्वीप की परिक्रमा करनी पड़ती है
करनी चाहिए। और नवदीप की हम जब परिक्रमा करेंगे, नवदीप धाम में जाएंगे, तो उस धाम का इतना पावर है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा वहाँ पर निरंतर बहते रहती है। जैसे बरसाना, बरसाना का क्या मतलब है, जहाँ राधा की कृपा बरस रही है, वैसे ही नवद्वीप के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है, जो महावदन्या अवतार है, जो दाता शिरोमणि है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर आकर और उन्होंने क्या किया, सबको अपनी कृपा बरसाई है। और चैतन्य महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी थे आछे जद नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। और कई लोग ऐसा सोचने लगे, कह रहे कहाँ पे पूरा दुनिया के अंदर नाम हो गया। और कुछ कुछ गौड़िये भी ऐसा सोचते थे कि पृथ्वी का मतलब शायद बंगाल या इंडिया। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक और बात कही थी कि मोरा सेनापति, मेरा एक सेनापति आएगा जो इस पूरी दुनिया के अंदर हरि का नाम जो है उसको इनंडेट कर देगा। और वो सेनापति कौन है, श्रील प्रभुपाद। तो हम सब जानते हैं, इतिहास साक्षी है कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी 70 बरस की उम्र में, और वो भारत से अमेरिका गए, वृंदावन से सात समुंदर पार करके, और उस बोट पे, उस स्टीमर पे, जलदूत पे श्रील प्रभुपाद जी को दो अटैक आया। और उस हृदय में, जिस हृदय में भक्ति थी, उस भक्ति देवी, एक्चुअली भक्ति देवी कहती है नारद मुनि को कि मैं विदेश चली जाऊंगी, ऐसा एक शास्त्रों में वर्णन है कहीं पे, तो कहती है मैं विदेश चली जाऊंगी। लेकिन भक्ति देवी को विदेश कौन लेके गया, श्रील प्रभुपाद जी। और जिस हार्ट के अंदर भक्ति देवी है, वो हार्ट फेल हो सकता है क्या, कभी नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस हार्ट की रक्षा की, श्रील प्रभुपाद की रक्षा की, और श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए। और अमेरिका जाके बहुत कठिनाई से एक साल स्ट्रगल करके 1965 अगस्त सितंबर में वो पहुंचे वहां पे, और 1966 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस का स्थापना किया। और वो इस्कॉन जो है वो हमारे लिए गोवर्धन पर्वत के समान है, श्री प्रभुपाद जी ने अपने ऊपर उठा के रखा है। और ऊपर से चाहे कितना भी वज्रपात होता रहे, कितना भी भयंकर समस्या रहे, कोई भी उसके ऊपर बिजली फेंके, लेकिन अगर हम लोग इस्कॉन के इस छत्र के नीचे है तो हम लोग सेफ रहेंगे और हम लोग जरूर भगवत धाम जाएंगे। श्री प्रभुपाद जी ने ये घर बनाया है जिसके अंदर हर कोई रह सकता है, तो इसके लिए कभी भी हमको इस्कॉन को छोड़ के कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस्कॉन के अंदर श्री प्रभुपाद जी ने सब कुछ दे दिया है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। और जो चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में आ गया है, भगवत धाम जाना निश्चित है, जाना है भगवत धाम। और टिकट है हरि नाम, जय निताई गौर प्रेमानंद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हिज ग्रेस रसामय प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो प्रभु ने इतना सुंदर रूप में नौ भीषों के बारे में इतना सुंदर हम लोगों को शिक्षा दिया, हम प्रभु के शारीरिक सुस्थता के लिए प्रार्थना करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी, ताकि प्रभु इस प्रकार आता रहे और हम लोगों को ज्ञान प्रदान करता रहे। फिर भगवान के पास, भगवान के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास, चैतन्य महाप्रभु के पास हम प्रार्थना करेंगे। तीन बार प्रेम के साथ हरे कृष्ण महाप्रभु को याद करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रह गई तो कृपया माफ कर देना, और आप अपने सब आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपके जैसा अच्छा भक्त बन सकूं। हरे कृष्णा, तो एक अनाउंसमेंट है, आज का दिन का प्रसाद, और उनका माता जी का जो देहांत होने का साल का सालगिरह है,
डेथ एनिवर्सरी है, तो प्रभु के लिए प्रेम के साथ तीन बार हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।